हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। पॉलिटिकल थ्योरी के इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में। लिबर्टी और फ्रीडम ये दोनों ही काफ़ी कंफ्यूजिंग से टर्म्स हैं और समटाइम्स ये दोनों एक दूसरे को एक तरीके से लगता है कि दोनों सेम सेम से ही चीज़ें हैं। पॉलिटिकल थ्योरी को आप इन दोनों बुक से रेफ़र कर सकते हैं। शुरुआत होती है सुभाष चंद्र बोस के एक ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ में। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि अगर विचारों की क्रांति लेकर के आनी है, रिवॉल्यूशन ऑफ आइडियाज़ लेकर के आने हैं, तो हमें सबसे पहले एक आइडियल के फॉर्मेट में हमें बंदों को यानी कि लोगों को दिखाना होगा और इस तरीके से जो पूरी सोसाइटी है, लाइफ है, उसे गैल्वनाइज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ ये कोई एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को अगर इसके थॉट को चेंज करना है, इसके विचारों को चेंज करना है, क्रांति लेकर के आनी है, तो हमें सबसे पहले एक आइडियल दिखाना होगा जो कि इसे प्रोटेक्ट करे, और जो इसे प्रोटेक्ट करेगा वो अल्टीमेटली इस बॉडी को, इस सिटीज़न को, इस पीपल को, इस इंडिविजुअल को गैल्वनाइज कर देगा। गैल्वनाइजेशन करने का मतलब कि इसे प्रोटेक्शन देगा, इसके चारों ओर जो है एक कवर बना देगा, और इसी को बोलते हैं क्रांति। और ये जो आइडियल है जो इस बंदे को दिखाया गया है विचारों की क्रांति लाने के लिए, इसे बोला जाता है फ्रीडम, आज़ादी। लेकिन जो ये आज़ादी एक वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है, इसके कई सारे कोनोटेशंस हो सकते हैं। एंड इवन इन आवर कंट्री द कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम हैज़ अंडरगॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। समय के साथ ये जो आज़ादी है इसका मतलब भी बदलते रहा है। पहले अगर देखें तो आज़ादी हमारी थी अंग्रेज़ों से आज़ादी, प्लस प्रोविंशियल लेवल पे आज़ादी, प्रांतीय तौर पर आज़ादी। फिर आज़ादी हम लोग बात करते हैं विचारों की, अपने एक्सप्रेशन की, और आज के टाइम पे हम आज़ादी बात करते हैं एक वेलफेयर सोसाइटी की आज़ादी, वेलफेयर सोसाइटी की आज़ादी। तो जो आज़ादी फ्रीडम टर्म है, ये एक इवोल्यूशनरी टर्म है और कंटिन्यूसली समय समय के साथ में इसकी जो मतलब है, इसका जो मतलब है वो बदलते रहता है। फ्रीडम का मतलब है ऑलराउंड फ्रीडम, यानी कि इंडिविजुअल का फ्रीडम, साथ ही साथ में सोसाइटी का फ्रीडम, रिच का फ्रीडम, साथ ही साथ में पुअर का फ्रीडम, मैन का फ्रीडम एज वेल एज वुमेन का फ्रीडम, इंडिविजुअल का फ्रीडम, साथ ही साथ में क्लास का फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। इस फ्रीडम को हम लोग केवल और केवल पॉलिटिकल बॉन्डेज यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के तौर पर ही सिर्फ नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि हमें इसे इकोनॉमिक और सोशल टर्म में भी एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। ये जो सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के फॉर्मेट में, कास्ट बैरियर के एबॉलिशन के फॉर्मेट में, सोशल इनइक्वालिटी को दूर करने के फॉर्मेट में और डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस के फॉर्मेट में प्रैक्टिस की जानी चाहिए। एक आइडियल है जो कि कुछ लोगों के लिए यूटोपियन फील हो सकता है, अपीयर हो सकता है, and these are hard-headed person, men and women, but this ideal alone can appease the hunger in the soul. तो एक आत्मा की development के लिए, या फिर जिसे individual की development भी आप बोल सकते हैं, freedom बहुत ज़्यादा important होता है। freedom को अगर देखा जाए तो जितनी भी विश्व में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, जितने भी revolutions हुए हैं हमारे world में, चाहे वो American revolution हो या फिर French revolution हो, British revolution हो, Russian revolution हो या फिर India का revolution हो, हर एक जगहों पर आज़ादी के लिए ही struggle किया गया है। कहीं पर monarchical आज़ादी है तो कहीं पर colonial आज़ादी है, लेकिन आज़ादी हर जगहों पर है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के इंडिविजुअल हैं, जो लोग हैं यहाँ पर, उनकी इच्छा है कि वो अपनी जीवन, अपनी लाइफ और अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करें, और इस वजह से इन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दिस शुड बी फ्रीली अवेलेबल थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्टिविटीज़। जो भी ये करना चाहें उसको करने की आज़ादी होनी चाहिए। नॉट जस्ट इंडिविजुअल, बल्कि सोसाइटी भी इन इंडिविजुअल्स की जो भी चॉइसेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें और साथ ही साथ में उनको इक्वल रिस्पेक्ट भी दे, इंडिपेंडेंस दे, और साथ ही साथ में इनको इनके कल्चर और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर जिम्मेदारी भी दें। हालांकि हम इसे कर नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर और इनफैक्ट वर्ल्ड में डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, कई लोगों के कई सारे इंटरेस्ट हैं और एम्बिशंस भी हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम लोग गुड पीपल बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम लोग बैड पीपल बोलते हैं।
गुड पीपल क्या करते हैं कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इंडिविजुअल के लिए करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बैड पीपल होते हैं, दे आर डूइंग फॉर देयर ओन सेल्फ, खुद के इंटरेस्ट के लिए करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। सेल्फ इंटरेस्ट में भी एक ग्रुप होता है जिसे हम लोग टेररिस्ट बोलते हैं। अब टेररिस्ट खुद के डेवलपमेंट के लिए या फिर कह सकते हैं खुद के एम्बिशंस के लिए काम करता है, लेकिन दिस इज नॉट लीगल। और ऑन द अदर हैंड गुड पीपल हैं जिन्हें फ्रीडम दिया जाना चाहिए। तो अगर हम फ्रीडम के बारे में बात करें तो बिल्कुल हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज बैड पीपल विल ऑल्सो इन्जॉय द सेम काइंड ऑफ फ्रीडम, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो रूल्स हैं दिस में रिक्वायर सम कंस्ट्रेंट, ये कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, कुछ रोक टोक लगा सकते हैं जिससे कि इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है उसे कुछ हद तक रोका जा सकता है, बट एक्चुअल में ये रोक टोक नहीं है। ये कंस्ट्रेंट हमें इनसिक्योरिटी से बचाते हैं और साथ ही साथ में हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये कंडीशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें सूडान या फिर सीरिया या फिर मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस समय पॉलिटिकल टर्मोइल हो रखा है, तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्टेट है, हालांकि वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर हैं, लेकिन जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं लॉलेस हो रखा है। लॉलेस यानी कि जहाँ पर कोई लॉ ही ना हो। तो लॉलेस अगर है तो ये जो इंडिविजुअल है इन्हें भी एक डर है, क्योंकि इनकी यहाँ पर कोई लॉ नहीं है, लॉ नहीं है जिसके कारण से इनकी जो फ्रीडम है वो एक्चुअल में ये फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट एक लेसन मिलता है कि लॉ ज़रूरी है अगर किसी बंदे को अपना फ्रीडम इंजॉय करना है तो। विदाउट लॉ वी कैन नॉट कंसीडर फ्रीडम। तो एक सिंपल टर्म बोल सकते हैं, नो लॉ नो फ्रीडम, नो लॉ नो फ्रीडम। फ्रीडम एक सिंपल टर्म में अगर बात करें तो एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेंट होती है, एब्सेंट ऑफ कंस्ट्रेंट, कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ हमारे लीडर्स हैं जैसे आंग सान सू की, म्यांमार, इन्होंने अपनी फ्रीडम को देखी है लोगों के फ्रीडम के साथ में। इनका कहना है कि रियल फ्रीडम एक्चुअल में डर से आज़ादी है। अगर आप डरे हुए हैं तो फिर आप आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, आप आज़ाद नहीं हैं। रियल टर्म में फ्रीडम हम फ्रीडम फ्रॉम फियर को बोलेंगे। अनलेस यू लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। इसी तरीके से हमारे गांधी जी का कहना है कि जो स्वराज है, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल, स्व मतलब सेल्फ, राज मतलब गवर्नेंस। जो सेल्फ गवर्नेंस है ये केवल और केवल फ्रीडम नहीं है, बल्कि दिस इज अ लिबरेशन इन रिडीमिंग वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इन डीह्यूमनाइजेशन। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, एक ओवरऑल लोगों के डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये फ्रीडम यानी कि ये स्वराज है, ये आज़ादी है। यानी कि यहाँ पर दो कंपोनेंट निकल के आते हैं फ्रीडम के, एक है एब्सेंस होना चाहिए किसी भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट का, और दूसरा एक कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए जिससे कि लोग अपने टैलेंट का डेवलपमेंट कर सकें, अपनी लाइफ का डेवलपमेंट कर सकें। तो ये दोनों एक प्रिवेलिंग कंडीशन है फ्रीडम के लिए, ये दो कंडीशन, दो कंपोनेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तक अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ निगेटिव कोनोटेशन, ये निगेटिव कोनोटेशन है जहाँ पर किसी भी चीज़ को एब्सेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर एक पॉजिटिव कोनोटेशन है जहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होने चाहिए। एक फ्री सोसाइटी के बारे में बात किया जाए तो इट वुड बी वन विच इनेबल ऑल इट्स मेंबर टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद द मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट। अगर हम एक सोसाइटी में देखें तो कियोस्क ना हो और लोग अपने अपने फ्रीडम को इंजॉय करें, इसके लिए मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट होने चाहिए, मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर रूल्स और रेगुलेशन को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोग अच्छे से अपने फ्रीडम को इंजॉय कर सकें इसी चीज़ के लिए बनाया जाता है। इनफैक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल, लोगों की आज़ादी को ही प्रोटेक्ट करने का सिंगल एजेंडा होता है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। पॉलिटिकल थ्योरी में एक साहब है जिनका नाम है जे एस मिल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है।
इनका कहना है कि द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वॉरेंटेड इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली इज इंटरफियरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ देयर नंबर, दैट इज सेल्फ प्रोटेक्शन। हर एक बंदा सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इंडिविजुअलिज्म के लिए काम करता है, और इसी वजह से जो इंडिविजुअल या कलेक्टिव लेवल पे हमें एक मैनकाइंड को बनाने के लिए कुछ लिबर्टी ऑफ एक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं। दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। मतलब क्या है? मतलब अगर एक बंदा अपने फ्रीडम, अपने लिबर्टी को इंजॉय करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे बंदे को हार्म पहुंचाए। इसका मतलब यही है कि दोनों बंदे अपने अपने स्फीयर में अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस को इंजॉय करने चाहिए, और इसी को बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। ये हार्म प्रिंसिपल दिया गया था जेएस मिल साहब के द्वारा, और इन्होंने यही कहा कि अगर हार्म प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बना करके रखने होंगे, और ये सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लिबर्टी को अगर एक सिंपल टर्म में देखें तो लिबर्टी का मतलब है दैट इज़ माई बिजनेस, आई विल डू वॉट आई लाइक, जैसा मुझे मन करेगा, मुझे मेरा जो भी काम है वो मैं अपने हिसाब से करूँगा। और इसमें हाउ डज़ इट कंसर्न यू इफ़ इट डज़ नॉट अफेक्ट यू, अगर आपको ये अफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप कैसे इसे इंटरफियर कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एक बंदा है, इसका अपना एक पर्सनल स्फीयर है, दिस इज़ पर्सनल स्फीयर, और इस पर्सनल स्फीयर में ना तो किसी इंडिविजुअल का, ना तो किसी सोसाइटी का, और ना ही किसी स्टेट का इंटरफेरेंस यहाँ पर ये बंदा चाहता है, और इसे ही अपने पर्सनल स्पेस के तौर पर रखना चाहता है। इसी को बोलते हैं लिबर्टी। लेकिन ये लिबर्टी का निगेटिव मीनिंग है। लेकिन अगर एक्शन किसी दूसरे बंदे की लिबर्टी को इसी तरीके से हार्म करेंगे, तो फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें एक एक्सटर्नल अथॉरिटी की ज़रूरत है, यानी कि एक स्टेट की ज़रूरत है, और इसीलिए कहा जाता है कि एजेंट होना चाहिए, देयर शुड ऑलवेज बी एन एजेंट टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम। और इस वजह से कुछ बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस, रेगुलेशंस होने चाहिए, जो कि समाज को, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो पर्सनल स्फीयर है, इसका विथ क्या होना चाहिए? ये जो विथ है, दिस इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्यों है? सब्जेक्टिव इसलिए है, अगर मानते हैं टेररिस्ट है, टेररिस्ट का भी अपना एक लिबर्टी है, लेकिन इसकी जो लिबर्टी की विथ है वो ज़ीरो है। क्यों? बिकॉज दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन आवर ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि इनकी जो मोटिव्स होते हैं वो हार्मिंग होते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम प्राइवेसी के बारे में बात करें तो यस, दिस हैज़ सम विथ, इसकी विथ है। कितनी विथ है? इसकी विथ इतनी है जब तक किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी या किसी कंट्री के सिक्योरिटी को हार्म नहीं होता है। तो जैसे ही ये लिमिट टू द सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पहुंचता है, वहीं पर ये प्राइवेसी की जो पर्सनल स्फीयर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके पास अपना खुद का कुछ विथ है। लिबरलिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ टॉलरेंस एज अ वैल्यू। कब तक हम चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट को डिफाइन करना ही लिबर्टी कहलाता है। लिबर्टी को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक निगेटिव लिबरलिज्म और दूसरी पॉजिटिव लिबरलिज्म। एक तरफ ये कहा गया कि मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए, यानी कि एक पर्सनल स्फीयर होना चाहिए। तो ये जो पर्सनल स्फीयर है, जहाँ पर ना तो स्टेट, ना तो इंडिविजुअल और ना ही सोसाइटी इंटरफियर करेगी आकर के, ये बंदा अपना खुद का पर्सनल स्पेस रखना चाहता है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन डिग्निटी नीड एन एरिया वेयर द पर्सन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड बाई अदर्स। लेकिन फिर वहीं एक पॉजिटिव लिबरलिज्म भी होती है, जहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आई गवर्न माई सेल्फ, देयर आर फ्यूअर कंस्ट्रेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, यानी कि एक स्टेट ऊपर में होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर भी नो लॉ नो लिबर्टी का केस आ जाएगा। पॉजिटिव लिबर्टी
दिस रिकॉग्नाइजेस वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी नॉट आउटसाइड इट एंड हैंस ट्राई टू मेक दैट सोसाइटी सच दैट इट इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड वेयर एज. जबकि निगेटिव लिबर्टी क्या होती है, ये एक इट ओनली कंसर्न विद द इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉट विद द कंडीशन इन सोसाइटी आउटसाइड दैट एरिया एज मच. बंदे की जो पर्सनल स्फीयर है यहाँ पर एब्स्ट्रेन होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन होना चाहिए, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए. लेकिन ये कब तक, जब तक ये किसी दूसरे बंदे के पर्सनल स्फीयर में इंटरफियर ना करे. तो यहाँ पर भी एब्सेंस होनी चाहिए, यहाँ पर भी एब्सेंस होनी चाहिए. लेकिन जब इन दोनों के बीच का ये जो हाईलाइटेड एरिया है, जब यहाँ पर बात आएगी तो यहाँ पर स्टेट की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की लिबर्टी को इंजॉय करना है और इस वजह से यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी. अब आपको आइडिया लग गया होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं ये एक बंदे का घर है जो इसका अपना पर्सनल स्पेस है, दिस इज़ पर्सनल स्फीयर. दूसरा बंदा है इसका भी अपना एक पर्सनल स्फीयर है, पर्सनल घर है. इन दोनों में स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा. लेकिन कोई एक बंदा है, इसने इसकी ज़मीन पर क्या किया, कब्जा कर लिया. तो अगर कब्जा करेगा तो दोनों आपस में इंटरफियर कर ले गए, यानी कि यहाँ पर हाईलाइटेड एरिया आ गया और यहाँ पर अब स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि स्टेट इन दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से इन दोनों को अपने पर्सनल स्फीयर में अपनी लिबर्टी इंजॉय करने के लिए मौका दिया जाए. वोल्टेयर एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि आई डिसअप्रूव व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से. मतलब ये है कि आप जो भी कहेंगे वो आपका एक आइडिया होगा, आपका एक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन आप जिस हक से कहेंगे उसे राइट बोला जाता है. तो ये जो हक है आपका, जिसके थ्रू आप ये एक्सप्रेशन या फिर आइडिया लेकर के आएंगे, मैं इस आइडिया को ज़रूरी नहीं है कि मानूं, लेकिन आपका जो अधिकार है ये होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए. तो बोलने का अधिकार या फिर जो भी आपका ये फ्रीडम होना चाहिए, उसके लिए मैं हमेशा डिफेंड करूँगा, लेकिन उस फ्रीडम के थ्रू आप जो भी करेंगे उसके लिए कोई डिफेंड नहीं किया जाएगा. एग्ज़ाम्पल के तौर पर सपोज आपको आपका फ्रीडम है कि आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन आप इस स्पोर्ट्स में आगे कितना अच्छा करेंगे ये स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना अच्छा करेंगे. लेकिन आपको स्पोर्ट्स में जाना है, इसके लिए आपको स्टेट फ्रीडम देता है, एंड दिस इज़ योर पर्सनल स्फीयर. और इसी के लिए वोल्टेयर डिफेंड भी करेंगे, फाइट भी करेंगे, लेकिन इसके लिए नहीं करेंगे. कई बार आप लोग ये सुने होंगे कि बुक वगैरह लिखी जाती है, तो बुक लिखने का आपको फ्रीडम अधिकार दिया गया है, लेकिन बुक को पब्लिश करना ज़रूरी नहीं है. मूवी बनाने का अधिकार है, लेकिन मूवी को पब्लिश करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिश करना है यहाँ पर बाकी सोसाइटी के जो इंडिविजुअल हैं उनकी भी लिबर्टी काउंट होती है. तो हमें ये देखना पड़ता है क्या ये लिबर्टी इंडिविजुअल की और सोसाइटी के जो लोग हैं कहीं आपस में इंटरफियर तो नहीं कर रही है, और अगर ऐसा होगा तो देयर विल बी बैन और सेंसर, बैन और सेंसर किया जा सकता है. अब बैन और सेंसर में क्या हमें बैन करना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना होता है नहीं. क्यों? क्योंकि इससे आपका ये जो टैलेंट को डेवलप करने का जो अधिकार है, फ्रीडम है, वो वायलेट हो रहा है. यानी वोल्टेयर ने कहा है कि जो डिफेंड करेंगे अगर उसमें आप बैन कर देंगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है. सेंसर करिए, रेगुलेट करिए, मैनेज करिए, मॉनिटर करिए, दिस इज़ एंड दिस शुड बी आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो आपको लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या चीज़ें, वो समझ में आ गई होंगी. आर्टिकल नंबर 21 में पर्सनल स्पेस और इसी पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, केवल और केवल लिबर्टी टर्म को लिखा गया है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर विद द टाइम मतलब भी बदलते रहेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन भी अकॉर्डिंगली बदलती रहेगी. कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, देख लेते हैं उसे. पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट एंड अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी. तो अगर देखेंगे पहला स्टेटमेंट, देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी, तो हम इसे
गलत कहेंगे। क्यों गलत कहेंगे? क्योंकि अगर लॉ ज़्यादा है तो हमारे पास लिबर्टी भी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबल लिबर्टी आती है। कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी और सारे कई सारे राइट्स हैं, कई सारे स्टैट्यूटरी लॉ वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन इससे हमें लिबर्टी और ज़्यादा मिलती है, हमारी लिबर्टी कर्व नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पर लॉ नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं होगी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सूडान, सीरिया, मिडिल ईस्ट में जहाँ पर इस समय लॉलेसनेस हो रखी है तो वहाँ पर लिबर्टी भी नहीं है। अगर लिबर्टी है तो लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टेट का होना ज़रूरी है। और इनफैक्ट जितने भी हमारे फिलोसफर्स हुए हैं सब ने यही चीज़ कही है, लॉ आज चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम के साथ हमें चेंज करना हमारी रिक्वायरमेंट है और इससे हम लिबर्टी को इनफैक्ट प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। फर्स्ट थिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, गलत है। दूसरी चीज, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, हो सकता है। थर्ड थिंग, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, गलत है, क्योंकि हर एक बंदे को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं दी जाती है, आप अपने पर्सनल स्फीयर में रह करके चीज़ें कर सकते हैं। लास्ट, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। अब देखिए, ये अगर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ तक केवल रहता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, लेकिन यहाँ पर फुल्ली लिखा गया है, यानी ये एक एब्सोल्यूट डेवलपमेंट के बारे में बोलता है, एंड दिस इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन लिबर्टी। वोल्टेयर के स्टेटमेंट को याद करिए, वहाँ पर बोला गया था डिफेंड करेगा राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू जो भी फ्रीडम आपको दी जाती है, लेकिन उसके थ्रू आप जो भी कर रहे हैं उसे नहीं डिफेंड किया जाएगा। यानी कि आपको डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाना, ये लिबर्टी होगा, लेकिन फुल्ली डेवलप करना ये तो आप पे डिपेंड करता है। और इस वजह से स्टेटमेंट नंबर डी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर बी करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो एक आइडिया लग गया होगा आपको इस डिस्कशन से कि आखिर में लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है। फिलोसॉफिकल एंगल को लेकर के आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में पूछे आ रहे हैं, प्रीलिम्स के रिवीजन सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरी के भी इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को recognition@gmail.com पर भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।